धर्मराज युधिष्ठिर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आरंभ। भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहे हैं। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हुए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को इसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके घर एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भाइयों और बहनों, यह थी पौष पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा जो कि साल 2023 में 2 जनवरी को आ रही है। यदि वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करके अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।